बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा रौबदार, सख्त सा चेहरा, भारी भरकम आवाज और गहरी बड़ी बड़ी आंखें। इस शख्सियत के साथ ये शख्स जब भी पर्दे पर आया अपनी मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीतता रहा। वैसे इन्हें फिल्मी पर्दे पर कभी हीरो बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन विलेन से लेकर कैरेक्टर रोल तक में कुछ ऐसी जान डाली इस शख्स ने कि बस उस किरदार को देखकर लगता था कि इसी शख्स के लिए बना है ये किरदार। क्या आप पहचान पाए हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉलीवुड का ये बुलंद सितारा जिसे पहले फिल्म इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था, जी हाँ रिजेक्ट कर दिया था, सरकारी नौकरी की, थिएटर से पहचान बनाई और फिर फिल्मों के दरवाजे कुछ ऐसे खुले कि हॉलीवुड तक पहुंच आसान हो गई। कौन है ये बड़े कलाकार? आइए हम इनके बारे में अपने चैनल पर आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चेहरा किसी और का नहीं, फिल्मों में कभी खतरनाक विलेन बनकर नजर आने वाले तो कभी हीरोइन के बाऊजी का किरदार निभाने वाले कलाकार अमरीश पुरी का है। जी हाँ, अमरीश पुरी को कभी हीरो बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस अजीमोशान फनकार ने पॉजिटिव और कैरेक्टर रोल में भी ऐसा जबरदस्त काम किया कि उनके विलेन के अवतार को लोग भूल गए। रामलखन, त्रिदेव जैसे कई फिल्में हैं जिसमें अमरीश पुरी जब विलेन बनकर आए तब लगा कि इनसे खतरनाक विलेन कोई हो ही नहीं सकता, और जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश जैसे फिल्मों में कैरेक्टर रोल में दिखे तब भी यह लगा कि ये रोल तो इनके लिए ही बना है। अमरीश पुरी ने जहाँ नेगेटिव रोल्स में सिक्का जमाया वही कैरेक्टर रोल से उतना ही प्यार भी हासिल किया। अमरीश पुरी पंजाब से मुंबई आए थे हीरो बनने की आस लेकर, लेकिन उनका चेहरा देखकर डायरेक्टर ने उनसे कहा कि इस पथरीले से चेहरे के साथ हीरो नहीं बना जा सकता और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद राज्य कर्मचारी बीमा निगम में उनकी नौकरी लग गई, लेकिन अमरीश पुरी की जान तो फिल्मों में बसती थी जिसकी खातिर सब छोड़ वो थिएटर में काम करने लगे। यहाँ उनकी एक्टिंग का जलवा ऐसा कायम हुआ कि बॉलीवुड दोबारा उन्हें इनकार नहीं कर सका। अमरीश पुरी को जब पहला ब्रेक मिला तब उनकी उम्र 38 साल थी। जी हाँ, कहा जाता है ना कि एजेस आर जस्ट नंबर, आपका टैलेंट ही आपको आगे ले जा सकता है। अमरीश पुरी का फिल्मी सफर विलेन के तौर पर शुरू हुआ और फिर कैरेक्टर रोल में भी अमरीश पुरी ने खूब नाम कमाया। जी हाँ, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, और एक बार अगर आप मन में ठान ले तो आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। यही कर दिखाया अमरीश पुरी जी ने। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।